गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा ये है नए चैप्टर के ऊपर। लास्ट क्लास तक हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, सो वो चैप्टर खत्म हो चुका है, वो उतना ही था। सो आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये काफ़ी हद तक रिलेट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़े हैं, कुछ हद तक ये उससे रिलेट करता है, लेकिन हम इसको पूरा इसकी तरफ समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस लिख लेते हैं हम। सो ये है सबसे पहले तो डेफिनेशन हमारी एक्टिव वॉइस की, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। सो देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। अ वर्ब इज़ सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। यानी कि जो वर्ब, कोई भी एक वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे जब उसमें कि कोई एक पर्सन और थिंग जो डिनोटेड है बाय द सब्जेक्ट वो कुछ कर रहा है। तो इसको ऐसे समझना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि रवि हेल्प्स शैली, यानी कि रवि ने हेल्प करी शैली की। सो आप देखिए कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो रवि ही है, यानी कि हम यहाँ पे रवि की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम शैली की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है। देखिए द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी कि अगर रवि कुछ कर रहा है तो रवि क्या कर रहा है यहाँ पे, वो शैली की हेल्प कर रहा है। तो जब हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो कुछ कर रहा है, तो वो सिंपल सा एक सेंटेंस जो हो जाता है वो हो जाता है एक एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, या एक ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का एग्जांपल। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है एक्टिव वॉइस की और ये उसका एक एग्जांपल है, सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले अब हम पैसिव वॉइस की जो है हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं।
तो देखिए अब ये जो है ये है डेफिनेशन आपके पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस क्या कहता है यहाँ पे कि अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू अ पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। यानी कि जब हम डायरेक्ट फॉर्म में जब हम इसको एक्टिव वॉइस में जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम ये बता रहे थे कि जो सब्जेक्ट है कि वो क्या कर रहा है। सो लेकिन अब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि वो कौन सा काम है जो सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है। यानी कि अब हम उसको उल्टे फॉर्म में बताएंगे। पहले हम बता रहे थे कि सब्जेक्ट ने ये किया, अब हम ये बताएंगे कि ये काम जो है ये सब्जेक्ट ने किया है। तो ये एक तरीके से हम बात वही करेंगे लेकिन हम इसको घुमा के कहेंगे। पहले हम कह रहे थे कि ये सब्जेक्ट ने किया, अब हम ये कहेंगे कि ये काम जो है ये सब्जेक्ट के द्वारा हुआ। यानी कि एक ही बात को हम उसको घुमा कर कहेंगे। जैसे अब हमने इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले जो एग्जांपल देखा था वो था रवि हेल्प्स शैली, यानी कि रवि जो है वो शैली की हेल्प करता है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट था रवि और जो हम सेंटेंस में जो बता रहे थे कि रवि शैली की हेल्प करता था, ये बहुत सीधी सीधी बात थी कि जो हेल्प है वो रवि कर रहा है। अब हम इसको इस तरीके से कहेंगे जब हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि शैली इज़ हेल्प्ड बाई रवि, यानी कि जो शैली है वो उसकी मदद की जाती है रवि के द्वारा। सो पहले हमने क्या करा था, हम सिंपल पहले सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे कि सब्जेक्ट ये कर रहा है। अब हम ये बता रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है। यानी कि पहले हम जो है उस काम को बताएंगे, यानी कि हम पहले वर्क को डिनोट करेंगे बाद में हम सब्जेक्ट को बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर काम है ये इस सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है। सो यही डिफरेंस होता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में, कि एक्टिव वॉइस में हम सिंपल बताते हैं कि सब्जेक्ट डज समथिंग और जो हम पैसिव वॉइस में हम ये बताते हैं कि दिस वर्ब हैज़ बीन डन बाय दी सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ही जो है वो डिफरेंस आ जाता है। बात हम दोनों तब भी यही करते हैं कि यहाँ पे भी देखिए कि शैली इज़ हेल्प बाय रवि, यानी कि अभी भी जो है वो मदद जो है वो शैली की हो रही है, वो रवि ही कर रहा है। तब भी हमने ये कहा था कि रवि शैली की हेल्प कर रहा है। सो मीनिंग एक ही रहता है लेकिन जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है। सो सब ये हमारा डेफिनेशन है पैसिव वॉइस की और ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है कि अब हम अलग अलग टेंसेस में किस वर्ड को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेंस जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फ्यूचर टेंस, अलग अलग जो हमारे पास टेंसेस हैं उसमें हम जो वर्ड्स एक्टिव वॉइस में उनको हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम इसमें जो हम सबसे पहला जो वर्ड हम प्लेस करेंगे एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से, सबसे पहला वर्ड है टेक। सो जो वर्ड टेक है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, तो ये इस तरीके से होगा टेक कन्वर्ट हो जाएगा एम टेकन। और जो टेक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा इज टेकन।
जो दो वर्ड हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये है हमारे टेक। सो टेक कन्वर्ट हो जाएगा, टेक है हमारा एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस से जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सो ये हो जाएगा एम टेकन, और जो टेक्स है टेक्स कन्वर्ट हो जाएगा इज टेकन। सो ये हमारा सबसे पहला कन्वर्जन है। सेकंड है हमारा, सबसे पहला आप इन दो को नोट कर लीजिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तीन वर्ड हमारे पास, एम टेकिंग, इज टेकिंग और आर टेकिंग। सो इनको हम जब कन्वर्ट करेंगे सो ये हो जाएगा तो देखिए आप, जो हमारा जो टेकिंग था यहाँ पे टेकिंग से कन्वर्ट हो गया टेकन में, और सबके साथ यहाँ पे बीइंग लग गया। तो जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे सो हम यहाँ पे बीइंग ऐड कर देंगे, और टेकिंग जो यानी जो कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा टेकन में। सो एम टेकन हो गया एम बीइंग टेकन, इज टेकिंग हो गया इज बीइंग टेकन, और आर टेकिंग हो गया आर बीइंग टेकन। सो ये नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सो इनको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, हमने उनके दो डिफरेंसेस भी देखे एग्जांपल्स के थ्रू कि हम कैसे उनको फॉर्म करते हैं, और आज हमने कुछ वर्ड्स भी पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस के और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कि हम किस तरीके से उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।